गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम हिंदी में करेंगे क से श्र तक छोटे उ की मात्रा। कौन सी मात्रा करेंगे आज हम? छोटे उ की। ठीक है, इससे पहले हमने आ की, ये है आ की मात्रा, छोटी ई की, ठीक है, और हमने बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास किया था। ठीक है, आप सबको ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा किसकी होती है और ये मात्रा लगाने पर किसका स्वर आता है। ठीक है, उसी से आपको पढ़ना आएगा, रीडिंग करना आएगा। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। आ की मात्रा में आ का स्वर आता है, बड़ छोटी की में छोटी का स्वर आता है, बड़ी की में बड़ी का स्वर आता है। ठीक है, आपको ये तीनों मात्राएं ध्यान में रखनी है। आज हम करेंगे क से श्र तक छोटे उ मात्रा लगाओ। ये किसकी मात्रा है? छोटे उ की। किसकी मात्रा है ये? छोटे उ की। ध्यान रखना आपको, किसकी मात्रा है ये? छोटे उ की। ये वर्ण के नीचे लगती है। कहाँ लगती है? ये वर्ण के नीचे लगती है। और इसमें किसका स्वर आता है? छोटे ऊ का। ठीक है, ऊ का किसका स्वर आता है? ऊ का। हम धीरे से बोलेंगे ऊ। ओके, जैसे क, क पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई, ये नीचे लगेगी तो क्या बोलेंगे इसे? कू। कैसे लगाएंगे? यहाँ से यूं करके ये सर्कल बनाएंगे, बहुत इजी है लगाना। ठीक है, दू, एक बार फिर से देखेंगे, यूं घुमाकर यूं बनाएंगे, नू, कू, फू, बू, बू, मू, यू, रू,
हमने वन के नीचे छोटे उ की मात्रा लगाई तो किसका स्वर आ रहा है? छोटे उ का। किसका स्वर आ रहा है? छोटे उ का। जैसे जु, छु, उ का स्वर आ रहा है जु, जु, अण। टू, थू, डू, डू, अण। टू, थू, डू, डू, नू। लगाएंगे हम क से श्र तक तो किसका स्वर आएगा? छोटे उ का। तो बच्चों आपको क से श्र तक छोटे उ की मात्रा लगानी है। पेज नंबर 2, पेज नंबर 36 एंड 37 इन दिस बुक। इस वाली बुक में पेज नंबर 36 और 37 करना है। एंड इस वाली बुक में आपको पेज नंबर 20 एंड 21 पेज नंबर 20 एंड 21 इन दिस बुक। इस वाली बुक में पेज नंबर 20 और 21 आपको कंप्लीट करना है। क से ज तक छोटे उ की मात्रा लगा दो। सो चिल्ड्रन प्लीज डू दिस फॉर नीट एंड क्लीन प्रॉपरली। थैंक यू।